ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट जानकारी के लिए कार मेरे यार सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को पुश करें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार आज का एपिसोड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दो बातें करते हैं, बहुत ही बड़ा नाम कमाने वाली गाड़ी, एकदम से उठने वाली गाड़ी मारुति की सबसे इकोनॉमिकल गाड़ी, उसके बारे में एक बात करते हैं, और दूसरी गाड़ी जानी जाती है अपनी रफ टफ लुक और एक इंजीनियरिंग के मास्टर की बदौलत। तो दोनों गाड़ियों के बारे में दोस्तों आज बात करते हैं, क्या खास है, क्या नया आया है उनमें। चलिए दोस्तों बात शुरू करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों एस्प्रेसो की करता हूँ। एस्प्रेसो में कुछ नया आया है, ऐसा आया है कि जिससे इसकी जो रेंज है वो और बढ़ गई है। रेंज का मतलब यानी कि मैनुअल, ऑटोमेटिक और अब CNG भी इसमें जुड़ गई है। देखते हैं क्या नया है। और माइलेज तो माशाल्लाह, माइलेज की भी बादशाह हो गई है। कैसे, बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात दोस्तों CNG के अंदर ये गाड़ी लॉन्च कर दी गई है। इसके अंदर चार वेरिएंट आए हैं, चार नहीं है तो दो ही हैं, वो मैं लास्ट में बताता हूँ भी कैसे दो हैं। LXi, LXiO, VXi और VXiO, यानी कि ओ का मतलब ऑप्शनल हो गया। अगर हम देखें LXi को तो 484,000 रुपये की हमें गाड़ी पड़ती है, वहीं पे 490,000 रुपये की ऑप्शन गाड़ी है सिर्फ 6,000 रुपये के फ़र्क के साथ। वैसे ही हमें VXi भी दिखती है 508,000 रुपये की और ऑप्शनल 514,000 रुपये की मिलती है हमें, यानी कि वही 6,000 रुपये का फ़र्क यहाँ भी हमें देखने को मिलता है। और अब दोस्तों एक देखते हैं कि इस गाड़ी के अंदर हमें माइलेज कितनी मिलती है। माइलेज 31.2 की ARI सर्टिफाइड माइलेज इसके अंदर मिलती है, जो कि बहुत है। क्या कह सकता हूँ, स्कूल या एक बुलेट के मुकाबले में खर्चे के बराबर कार आ गई, यस कह सकते हैं। चलिए नॉर्मल की अगर बात करो तो 21 से 22 के बीच में इसकी माइलेज क्लेम की जाती है, जो कि 1 लीटर का इंजन 3 सिलेंडर के साथ 67 BHP की पावर 90 Nm की टॉर्क के साथ जनरेट करता है नॉर्मल वाले में, यानी कि सिर्फ पेट्रोल और ऑटोमेटिक के अंदर। अगर मैं CNG की बात करूँ तो थोड़ा सा कम हो जाता है, वो 67 BHP को 58 BHP हो जाता है, और 90 Nm का सीधा ये 18 पॉइंट कम हो के सीधा 78 Nm, थोड़ा सा अंडर पावर हो जाता है वो। लेकिन माइलेज के चाहने वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है ये। कीमतें भी वाजिब हैं, कुछ इतनी खास नहीं है। शिकायत एक ही रहती है इनसे, यार आप ऑप्शनल वेरियंट क्यों रखते हो। अभी बात करते हैं, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन इसके अंदर और ऑटोमेटिक की कोई सुविधा नहीं है। मैं पर्टिकुलर CNG की बात कर रहा हूँ, CNG में सिर्फ और सिर्फ मैनुअल है। तो एक एयरबैग, ABS, EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स, 5 स्पीड अलर्ट सिस्टम और चाइल्ड सेफ्टी लॉक रियर में, ये इसके अंदर स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। अब आगे ओ वेरिएंट की बात, यानी कि ऑप्शनल, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये एक एयरबैग और डाला गया है। मेरे हिसाब से उसको VXi को ख़त्म कर देना चाहिए, VXiO और ZXiO, LXiO ऐसे वेरिएंट रखने चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि दो एयरबैग तो होने ही चाहिए। आप क्या साबित करना चाहते हो 6,000 रुपये सस्ती गाड़ी दे के, जहाँ पे 484,000 कोई पर्सन खर्च कर रहा है वहाँ पे 6,000 रुपये का और नहीं खर्च कर सकता। आप उस वेरिएंट को ही हटाओ। मेरे को सख्त अपील है मेरी कि प्लीज़ ये काम कर लीजिए, आप ऐसे रिस्क में मत ही डालिए किसी को। आप ऑप्शनल वेरियंट दो कंपल्सरी, VXi सिंगल सिंगल जो एयरबैग है उसको हटा दो। कोई बात सुन रहा हो मेरी मरुति में तो प्लीज़ में ये काम कर लीजिए, ये सभी के लिए। सेफ्टी सबसे पहले होती है और सेफ्टी के बारे में ये चीज़ होना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं, हैरान कर देने वाली और चौंकाने वाली एक बात। हालांकि पहले लॉन्च हो चुकी, लेकिन मैंने काफ़ी सारे इसके तथ्य निकाले, काफ़ी सारे लॉजिक्स मैंने इसके पीछे देखे, बट मेरे को हैरान करने वाली चीज़ें लगी, वो क्या, स्कोडा रैपिड BS6 लॉन्च हुई है जब से, इसके अंदर दोस्तों एक वेरिएंट आ रहा है जो कि इतना वैल्यू फॉर मनी मेरे को लग रहा है कि आज तक मैंने कोई ऐसी गाड़ी स्कोडा की नहीं देखी जो इतने वैल्यू फॉर मनी पैकेज में हो। 7,49,000 की, यानी कि 50,000 से 1,00,001 रुपये कम, 8,43,000 रुपये ऑन रोड पड़ने वाली स्कोडा की रैपिड की राइडर वेरिएंट, यानी कि बेस वेरिएंट उसका। आप समझ सकते हो इस बात को कि इस दिन में तो डिज़ायर आती है, कहाँ डिज़ायर और कहाँ स्कोडा रैपिड।
और इससे आगे एम्बिशन की बात करो तो 9,99,000 रुपये की आती है, जो 11,20,000 रुपये की एक्स ऑन रोड पड़ती है। ये मैं दिल्ली की बातें कर रहा हूँ। ऑनिक्स अगला वेरिएंट आता है इसका, जो 10,19,000 रुपये का और 11,93,000 रुपये का ऑन रोड पड़ता है। स्टाइल 11,49,000 रुपये का, एक्स शोरूम है और वो 13,42,000 रुपये का पड़ता है। अब एम्बिशन पे बेस्ड एक मोंटी कार्लो वेरिएंट आता है 11,79,000 रुपये का, जो कि 13,77,000 रुपये का ऑन रोड दिल्ली पड़ता है। अब दोस्तों इन चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो मेरे को जो बेस वेरिएंट है बहुत ही लाजवाब, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी पैकेज लगा, क्योंकि इस गाड़ी के हालात ये हैं कि अब के टाइम पे इतनी डिमांड है इसके बेस वेरिएंट की कि अब तो स्कोडा वाले पीछे पीछे घूमते थे, अब डीलर भी नखरे दिखा रहे हैं। गाड़ी आपने लेनी है लो, नहीं लेनी तो कोई बात नहीं, हम साथ में एक्सेसरी भी देंगे, ये भी देंगे, वो भी देंगे, वो अंडर प्रेशर करने की कोशिश की जाती है। तो अगर मैं बात करूँ इसकी दोस्तों, कमी रह गई है कि इसमें क्या रह गई, पहले साइज़ की बात करते हैं फिर कमी की बात करते हैं। डायमेंशंस, लेंथ, विड्थ, हाइट, व्हील बेस, ग्राउंड क्लियरेंस, सभी की बात, बूट स्पेस तक की बात करेंगे। लेंथ 4413 mm, विड्थ 1699 mm, हाइट 1466 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 116 mm, व्हील बेस 2552 mm, और दोस्तों इसके अंदर बूट स्पेस दिया जाता है 460 लीटर का और फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 55 लीटर की है। टर्निंग रेडियस 5.3 मीटर का है। अब इसके अंदर दोस्तों मैं कमी बताता हूँ क्या है। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन सिर्फ आता है पेट्रोल के अंदर, डीजल के अंदर कुछ नहीं आता और पेट्रोल के अंदर भी कोई ऑटोमेटिक की सुविधा नहीं है। ये थोड़ी सी कमी है, लेकिन इंजन की बात अगर बताऊँ तो बहुत ही मज़ेदार सा इंजन है इसका बताता हूँ आपको। 999 cc का इंजन है, टर्बोचार्ज, 110 PS की पावर, 175 Nm की टॉर्क के साथ जनरेट करता है और माइलेज भी तकरीबन 19 की क्लेम की जाती है। 119 की माइलेज क्लेम किया जाना, गुड जॉब। तो स्टैंडर्ड फीचर्स, तो एयरबैग, ABS, इंजन इम्बोलाइजर, चाइल्ड लॉक और चाइल्ड लॉक रिमोट सिस्टम, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती हैं। वैसे रियर पार्किंग सेंसर्स और स्पीड अलर्ट सिस्टम तो कंपलसरी साथ में जुड़े हुए हैं। अब बात करूँ इसके दोस्तों टॉप वेरिएंट की, तो उसके अंदर 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ दिया जाता है। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसकी इंजीनियरिंग की, तो जानी जाती है जर्मन इंजीनियरिंग के लिए बेहतरीन सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के लिए अपनी स्कोडा हमेशा से ही। और अभी इसके अंदर पेट्रोल वेरिएंट आया है, आगे आने वाले वक्त के अंदर इसके अंदर ऑटोमेटिक की सुविधा भी आ जाएगी और डीजल वेरिएंट भी पेश किए जाएंगे। तो बताइएगा दोस्तों ये दोनों अपडेट्स, दोनों ये अलग अलग संस्करण की गाड़ियाँ अपने अपने सेगमेंट पर एक एक धमाका और लेके आई हैं। बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स में बताइए कि आपको CNG कार की ज़रूरत थी या वाकई ही CNG में बनाना और इसकी कीमत वाजिब है कि नहीं। बात करते हैं इसके कमेंट सेक्शन में। दोस्तों अगले वीडियो तक सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें, तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।